हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। इसके लिए मैंने अभी जस्ट फेस वॉश किया है और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाओ का मिस्ट। जो कि ऑनियन बेस्ड है और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ कर रही हूँ VLCC का मॉइस्चराइजर। तो सिर्फ 60-65 के कुछ सामान से मेरा आज का मेकअप बहुत अच्छा आपको दिखने वाला है। तो ये मेकअप बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज का है। तो मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का BB क्रीम लगाया है अपने अंडर आइज़ को थोड़ा सा लाइट करने के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर के सेट से पहले अंडर आइज़ कॉर्नर को मैंने फिल किया है और उसके बाद मैंने पूरे आइज़ पे मैंने लगा लिया है पिंक कलर का सेट। एंड कॉर्नर पर मैं एक डार्कर ग्रीन शेड मैं पिक कर रही हूँ और उससे वो क्या होगा, वो कहने में थोड़ा सा आपको ब्लैक दिखेगा, बट वो ब्लैक आपको सामने पे से भी लगेगा पर वो ब्लैक है नहीं और बहुत अच्छा फिनिशिंग वो देगा जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा लिया है ब्लू हेवन का BB फाउंडेशन जो कुछ 60-65 रुपये का मार्केट में मिलता है और मैंने पर्पल से मंगाया था ओनली 45 रुपीज़ का। तो इसमें मेरा जो शेड है वो है नॉर्मल। तो उसके बाद मैं यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से मिला ले रही हूँ, मैं कोई फाउंडेशन का यूज़ नहीं करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे लूज़ पाउडर के हेल्प से सेट कर लूँगी ब्लू हुडा ब्यूटी की। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्राउज़र के लिए मैंने एक ब्राउन सा शेड लिया है और उसे हल्का सा अपने फेस को कट कर लिया है और मतलब शेप देने की कोशिश की है। उसके बाद मैं यहाँ पर बैंगल्स डाल ले रही हूँ, मैंने बालों में जूड़ा बना लिया है और हेयर वगैरह सिर्फ आगे से खोल कर रखा है मुझे, वहाँ पर कुछ डिज़ाइन करना है। एंड उसके बाद बारी आती है लिपस्टिक और की। लिपस्टिक से पहले मैंने यहाँ पर अगेन फाउंडेशन या BB क्रीम जो बोला आप लगा लिया ताकि मेरे जो लिपस्टिक है वो अच्छी तरीके से निखर के आए, लाइट बिल्कुल जो कलर है वो एग्जैक्ट कलर दिखे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ लिपस्टिक। मस्करा मैं लगाना भूल गई थी इसलिए मैंने लास्ट बाद में लगाया था, तो वो मैंने ऑफ कैमरा लगाया था। एंड अब बारी है हाईलाइटर की। तो मैं यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ पैलेट से और इससे जो एक फेस मेरा है वो बहुत ही ग्लोई डोई दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मेकअप में चेंजेस आ गए। और अब मैं एक सिंपल सी लेडी हाउसवाइफ जो कुछ भी किसी भी पूजा वगैरह फंक्शन में जाने के लिए रेडी है तो मैं बन चुकी हूँ। बस मैंने थोड़ा सा आगे के बाल मैंने कर्ल करना है जो इसके बाद वाले लुक में अभी आपको देखने को मिलेगा। मैंने साड़ी बांध दी है तो मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो ये था कुछ आज का लुक। आई होप कि आपको पसंद आया हो। बहुत ही मैंने बेसिक से मेकअप करने की कोशिश की है कि ऐसा मेकअप करके आप कहीं भी जा सकते हो, किसी सिंपल पूजे में, शादी में, पार्टी में। मतलब अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये मेकअप ऑब्वियसली बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल मेकअप है। बहुत ही अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही सटीक सा मेकअप है। कोई भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीज़ों का मैंने यूज़ नहीं किया है। ये आप आराम से ऐसा मेकअप कर सकते हैं और आप बहुत खूबसूरत लगोगे। बेचैन होके तुमसे मिला, कितना बेचैन होके तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला।